तो किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी? आज की इस वीडियो पे ये देख सकते हो आप सारी गिर गाय, और ये सारी गिर गाय मेरे यहाँ पर ही है। और आज हम इन इनकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करेंगे। इन जो ये जितने आप देख सकते हो पीछे जो भी दूध देने वाली गाय हैं, आज हम इनकी सारी ये कितने लीटर दूध देती है, कौन सी नस्ल की, इनका नाम और ये जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए किसान वीरो वीडियो शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दे, हमारी वीडियो का नया से नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, अभी जस्ट 10 से 15 मिनट के बाद इन सभी गायों का दूध निकलने वाला है, मिल्किंग स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और चलिए अब इनकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है राधिका, आप देख सकते हो ये राधिका है, और ये अभी हमारे पास करीबन 4 साल से है। और अभी इसने इसने तीसरी बच्ची दी है अभी हमारे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ये यहाँ पर खड़ी है। और इसका दूध है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का दूध है, बहुत ही हेवी गाय है। आप देख सकते हो, ये आपको मैं बताता हूँ, ये देख सकते हो बहुत ही हेवी गाय है ये। दिखने में भी बहुत ज़्यादा हेवी गाय है, और चलने में भी बहुत अच्छी चलती है, शानदार है। और इसका दूध भी करीबन 16 लीटर दूध दे देती है एक टाइम का, ये अपनी राधिका। उसके बाद आती है हमारी महात्मा, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ इस साइड से, ये देख सकते हैं आप, ये महात्मा है, और ये भी एक टाइम का 10 लीटर दूध दे देती है। मतलब दिन का एक पूरे, मतलब शाम सुबह का अगर हम मिलाए तो 10 लीटर दूध ये दे देती है, और वो जो हमारी गाय है वो 16 लीटर देती है। अब चलिए हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पर एक देसी नस्ल की गाय है, जो कि हमारे जब से हमने डेयरी फार्म स्टार्ट नहीं किया था उससे ही 10 साल पहले की हमारी घर की गाय है। तो ये तो अभी बच्चा नहीं दे रही है। और उसके बाद आती है हमारी गंगा, ये देख सकते हो आप, ये गंगा है, और इसकी एक विशेषता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर अपन इसको हाथ फेरेंगे तो ये खाना बंद कर देगी, ये चलना बंद कर देगी। ऐसी गाय अगर ये चलती होगी और आप इसको अगर हाथ लगा दोगे तो ये चलना बंद कर देगी, ऐसी गाय है। और ये इसका नाम गंगा है, और इसका आर्डर मैं आपको बताता हूँ, ये भी 12 से लगाकर 14 लीटर तक दूध देती है एक टाइम का। बहुत शानदार बछड़ी है, बहुत शानदार गाय है, और दूध देने में भी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी दूध की भी, और बहुत शांत स्वभाव की गाय है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये है जमुना, और इसका आर्डर आप देख सकते हो, बहुत हेवी आर्डर है इसका, ये देख सकते हो आप, और ये भी बहुत शांत स्वभाव की गाय है। थोड़ा बहुत दूध निकालते समय ये थोड़ी सी टांग ठोकती है, उसके अलावा बाकी बहुत ही बढ़िया शानदार गाय हैं, ये देख सकते हो आप, ये बहुत शानदार गाय। और उसके बाद ये आती है हमारे यहाँ पर लीला, जो कि महात्मा की बछड़ी है, जो कि आप मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था इस गाय की ये बछड़ी है, और ये अभी 2.5 साल की है, और ये अभी करीबन 6 लीटर दूध दे रही है। और पहली ब्याह में ये 12 लीटर दूध दी, मतलब सुबह का और शाम का 6-6 लीटर, मतलब 12 लीटर दूध दे रही है पहली ब्याह में, 12 लीटर दूध दे रही है गाय। आप देख सकते हो बहुत शानदार बछड़ी है, बहुत शानदार गाय है। उसके बाद ये एक देसी और गिर मिक्स है गाय है, इसका दूध भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। जितनी भी ये गायें आप देख रहे हो खंडोल वाली, ये सारी देसी नस्ल की गाय हैं, तो इसको भी हम गिर ही मानेंगे, बल्कि ये देसी है तो गिर और देसी का मिक्स है। और इसकी दूध की अगर क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और उसके बाद इसका दूध, जो कि 16 लीटर दूध देती है गाय, इसका आर्डर मैं आपको बताता हूँ, ये देख सकते हो आप, बहुत शांत स्वभाव की गाय है। मेरे यहाँ तो जितनी भी गायें सभी बहुत बढ़िया है, मैं किसी भी गाय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मतलब बहुत शांत स्वभाव की गाय है। और उसके बाद ये देख सकते हो, ये बहुत शानदार गाय है, इसका दूध ऐसा निकलता है कि मानो मक्खन निकाल रहे हैं, और छाछ में से मक्खन निकालते हैं ऐसा इसका दूध निकालते समय हमें लगता है, इतनी अच्छी गाय है। और अभी इसने बछड़ी दी है, और अभी ये कम से कम 14 लीटर दूध दे रही है एक दिन का,
उसके बाद हमारी ये गाय आती है मिंडी, इसका नाम हमने मिंडी रखा है। और ये मोहिनी की माता श्री हैं, जो कि मोहिनी वो रही, आप देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ मोहिनी को भी, जो कि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना दी है। मोहिनी बहुत प्यारी है, ये देख सकते हो मोहिनी, ये देख सकते हो आप, लीलड़ी नस्ल की है। और यहाँ पर इनकी माता श्री, और इनका दूध 8 लीटर है एक टाइम का, मतलब दिन भर का, सुबह शाम का मिलाकर 8 लीटर दूध है, और ये देख सकते हो आप। और इसके बाद इधर जो दूध नहीं दे रही है, जो ग्याबिन गाय हैं वो इधर रहती है, और बछड़े हैं, और यहाँ पर लिलड़ी भी बछड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हो उस साइड। और ये अभी ग्याबिन है, तो इस साइड ये बंद रही है, और इधर जितनी भी ये सारी दूध देने वाली गायें हैं, और ये इनके सभी बछड़े हैं और बछड़ी हैं। तो किसान वीरो, ये थी पूरी वीडियो हमारी, जो भी दूध देने वाली गाय हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे बछड़े और बछड़ियाँ देखनी है अगर फार्म की, देख सकते हो आनंद है। तो अगर आपको इन सब पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसान वीरो, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।